भैया यशोदा मंथन कर रही थी। देखो यशोदा है साधक, दधि मंथन है साधन, और साध्य है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण सोए हुए थे, जाग गए, सवेरे का समय, जागे, मैया को खोजते भाई आए, मैया मंथन कर रही है, और मैया को देख करके, मैया बड़ी जोर की भूख लगी है। मैया बोली, लाला देख अभी ताजा माखन निकल आएगा, प्रेम से पाले ना। कन्हैया बोले, ताजा माखन तो कब निकलेगा, कब तक मंथन होगा, मुझे तो अभी भूख लगी है। मैया मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। मैया ने बहुत समझाया, लेकिन लाला बोले बहुत भूख लगी है, तो मैया ने मंथन वहीं छोड़ दिया और लाला को गोद में लेके और दूध पिलाने लग गई, अपने दूध पिलाने लग गई। अब लाला खूब बड़े हो गए, लेकिन फिर भी मैया अपना दूध पिलाती है। कन्हैया ने दूध पीते पीते एक लीला करी। मैया चूल्हे पर दूध रख के आई थी, धीमी धीमी आंच में दूध पक रहा था। कन्हैया ने अपने योग माया के द्वारा अग्नि के प्रवाह, अग्नि के चेत को बढ़ा दिया। वो अग्नि का जब वो बड़ा तेज बढ़ा, तो दूध निकल निकल के चूल्हे में गिरने लगा। और दूध निकलने लगा तो मैया ने देखा, अरे दूध निकला जा रहा है, तो कन्हैया को अतृप्त अवस्था में छोड़ करके मैया दूध उठाने के लिए भागी। कन्हैया ने सोचा, अच्छा दूध दही में इतनी आसक्ति। कन्हैया ने एक लाठी उठाई और मैया जिस कमरे में रखती थी ना दूध दही के मटके, माखन घी, उसमें चले गए। सारी मटकियां तड़ तड़ करके तोड़ दी, सारी मटकियां फोड़ डाली, माखन बखर गया, दूध दही फैल गया, और उसमें से माखन के लोंदे उठा उठा के बंदरों को लुटाने लगे। तो बंदरों को माखन लुटा रहे थे, यशोदा मैया आई और यशोदा मैया ने देखा, अरे इसने तो सारी मटकियां तोड़ दी, मैं गोपियों की बातें झूठी मानती थी, पर आज तो घर में ही उपद्रव कर डाला। मैया को लगा कि इसको आज थोड़ा दंड देना चाहिए, नहीं तो उद्दंड हो जाएगा। मैया पकड़ने के लिए जैसे आई तो उखल के ऊपर खड़े थे, कूद करके छलांग लगा के भागे। कितने बड़े अभी, कुल 3 वर्ष के कन्हैया हैं, और 3 वर्ष का बच्चा भागता बहुत जोर से, छोटा बच्चा फुर्तीला होता है। अब मैया तो थोड़ा स्थूल है, तो धीमे धीमे भाग रही है। मैया के बालों में जो बेणी फूल गुते हैं, वो झरझर के नीचे गिर रहे हैं, मानो वो कह रहे हो, वाह मैया, जिसके डर से काल भी डरता है, वो तेरे डर के कारण डर के भाग रहा है, धन्य है तेरे भाग यशोदा। पुष्प कह रहे हैं, हम तेरे सिर पे नहीं, हम तो तेरे पैरों में आ जाए, हमारा सौभाग्य है। झरझर के मैया यशोदा के पैरों में गिर रहे हैं। भागते भागते यशोदा मैया थक गई, पसीना पसीना हो गई। देख लाला पकड़ में आ जाने, बहुत पिटाई करूंगी। कन्हैया बोले, पिटाई करोगी इसलिए तो भाग रहा हूं, यदि राजी राजी पकड़ में आ जाएगा तो नहीं मारूंगी। फिर क्या करोगी? बोले फिर तो तेरी पूजा करूंगी। अच्छा तो ये लाठी क्यों ले रखी है? मैया बोली, देख बुढ़ापे में तो सबको लाठी लेनी पड़ती है, तुझे लाठी से डर लग रहा है, चल फेंक देती हूँ। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम, लाठी फेंक दी। बोले मेरी तो बुढ़ापे की लाठी, तू ही आ जा। कन्हैया बोले, मैया पूजा करियो। बोले हाँ लाला, तू आ तो जा, अच्छे से पूजा करूंगी। कन्हैया आ गए, मैया ने पकड़ लिया हाथ, और लाला ऐसी पूजा करूंगी, आज तूने कहां कहां नहीं तोड़ाया मुझे। मैया यशोदा ने लाला को पकड़ के लाई, पिटाई नहीं की, बांध दिया। पहले तो रस्सी छोटी पड़ गई, क्योंकि परमात्मा को कोई बांध सकता है, लेकिन जब मैया बहुत थक गई तो कन्हैया ने बंधन स्वीकार कर लिया। उखल से मैया ने रस्सी बांध दी, एक तरफ कन्हैया के पेट में रस्सी बंधी है, एक तरफ उखल से बंधी है। अच्छा, पेट को संस्कृत में दाम, पेट को जो है उदर बोलते हैं, और रस्सी को बोलते हैं दाम, संस्कृत में रस्सी को दाम बोलते हैं। तो रस्सी को पेट में बांधा तो नाम भगवान का पड़ गया दामोदर, श्री कृष्ण का दामोदर नाम इसी लीला से पड़ा है। बोलिए दामोदर भगवान की। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।